अब ना माय फर्स्ट व्लॉग की तीसरी लहर आ चुकी है और फिर से लोगों के माय फर्स्ट व्लॉग वायरल होने लगे हैं। दोस्तों यूट्यूब पे माय फर्स्ट व्लॉग की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। पहली लहर में बहुत सारे यूट्यूब चैनल वायरल हुए, दूसरी लहर में बहुत सारे यूट्यूब चैनल वायरल हुए, अब तीसरी लहर में भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल वायरल होंगे। अगर आपका पहली लहर में दूसरी लहर में चैनल वायरल नहीं हुआ तो आप तीसरी लहर में आप अपनी किस्मत को अजमा सकते हो। मैं आप सभी को एक एक चीज बताऊंगा कि तीसरी लहर में आपको किस तरीके से वीडियो बनानी है, किस टाइम में आपको वीडियो अपलोड करनी है, कौन कौन से आपको टैग लगाने हैं, कौन कौन सी आपने ट्रिक यूज करनी है, सारा कुछ आप सभी को इस वीडियो में लाइव करके बताऊंगा। और आप सभी को बता दूं, अगर आप इस तीसरी लहर में अपनी माय फर्स्ट व्लॉग की वीडियो बना के अपलोड करते हो तो आपकी वीडियो के भी वायरल होने के चांसेस हो जाएंगे, आपका यूट्यूब चैनल जल्दी से ग्रो हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करना और रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। अब यहाँ पर आप सभी लाइव प्रूफ के साथ सुनो इस भाई ने क्या बोला। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको अपना एक यूनिक थंबनेल बनाना है, आपको घिसे पिटे थंबनेल यूज नहीं करना है, आपको ऐसा थंबनेल बिल्कुल भी यूज नहीं करना है जो पहले से यूज हुआ हो। जैसे कि आपने एक अच्छा प्रोफेशनल थंबनेल बना लिया, उसके बाद उस पर कुछ ऐसा कीवर्ड लिखना है जो आज से पहले किसी ने यूज नहीं किया। जैसे मैंने लिखा था कोई तो सपोर्ट करो वो। तो भाई आप सभी ने सुना, बबलू बन्ना ब्लॉग ने बोला है कि अब जो ये तीसरी लहर शुरू हुई है इसमें सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपने सुना होगा। उस भाई ने बोला कि आपको एक यूनिक थंबनेल बनाना है, आपने कॉपी किसी का नहीं करना। जैसे पहली लहर में दूसरी लहर में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने यूनिक थंबनेल यूज किया था, किसी ने कुछ लिख दिया किसी ने कुछ लिख दिया, तो आपको उसी तरीके से एक यूनिक थंबनेल बनाना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर यूनिक थंबनेल बनाओगे ऑडियंस के पास जाएगा तो आपके थंबनेल को देख के उस पर तुरंत क्लिक करना चाहिए, तभी आपका वीडियो वायरल होगा। अब दूसरा स्टेप सुनो भाई के मुंह से। और दूसरा एक टिप जो मैंने आपको पहली वीडियो में मैं बताना भूल गया था वो ये थी कि मैंने अपना चैनल बनाया था तब मैंने एक सीक्रेट टिप्स यूज की थी। वो सीक्रेट टिप्स ऐसी थी, जैसे मैंने अपना चैनल बनाया उसके बाद जो मेरे चैनल का नाम था उसके आगे मैंने 100K लिख दिया था। तो यहाँ पर आप सभी ने दूसरा भाई ने बोला कि मैंने अपने YouTube चैनल पर ये ट्रिक यूज की थी, आप सभी ने सुन लिया। अब ट्रिक क्या थी उसने आपको बहुत बता दिया कि मैंने अपने YouTube चैनल जब क्रिएट किया था वहां पर मैंने कुछ सब्सक्राइबर इंक्रीज मतलब कि 100K सब्सक्राइबर लिख दिए और इससे जो भी ऑडियंस देख रहे कि इसके चैनल पर 100K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो उसपे तुरंत उस पर क्लिक किया और उसका चैनल वायरल हो गया। तो आपको भी ये ट्रिक यूज करनी है अगर आप एक माई फर्स्ट व्लॉग की वीडियो बना रहे हो तीसरी लहर में, तो वहां पर आपको जब चैनल क्रिएट करोगे वहां पर 50K सब्सक्राइबर 100K सब्सक्राइबर 200K सब्सक्राइबर लिख सकते हो और आपका चैनल भी क्या पता इस ट्रिक से वायरल हो जाए। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बबलू बन्ना व्लॉग ने भी ये ट्रिक यूज की। अब तीसरी बात इसके मुंह से सुनो। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो एक बात नहीं मतलब एक सजेशन है, आपको वीडियो ऐसे टाइम पे अपलोड करना है जिस टाइम पे पीपल सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लोग सबसे ज्यादा जिस समय एक्टिव रहते हैं आपको उसी टाइम पे अपना वीडियो अपलोड करना है। दोस्तों आप सभी ने सुना उस भाई ने तीसरा स्टेप बताया कि आप अपनी वीडियो को बनाकर एक ऐसे टाइम पे अपलोड करो जहां पर जो YouTube पे ऑडियंस हो वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो। अब ये टाइम कौन सा होता है, ये टाइम सुबह का टाइम होता है। आप अपनी वीडियो को सुबह के टाइम अपलोड करो क्योंकि सुबह के टाइम अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो को पूरा दिन मिल जाएगा, पूरा दिन मिल जाएगा, सुबह से लेके शाम तक मिल जाएगा और इससे आपके वीडियो पे जो है जो भी ऑडियंस आएगी इससे आपकी वीडियो को देखेगी और आपका वीडियो वायरल होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बबलू बन्ना भाई ने बोला कि आप उस टाइम वीडियो को अपलोड करो जिस टाइम यूट्यूब पे ज्यादा ऑडियंस एक्टिव हो, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ यहां पर उस भाई ने बोला। अब उसके बाद एक और बात सुनो भाई के मुंह से। अब चौथी और इम्पोर्टेंट बात जिसके मैसेज मेरे पास सबसे ज्यादा आते हैं, वो सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं इस वजह से मैंने इस पॉइंट को भी अपने वीडियो में शामिल किया है। तो चौथी बात कुछ ये है कि लोग बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि टैग क्या जोड़े, टैग कैसे लगाए। टैग को एक काम करना होगा, आपको जाना है गूगल पे और वहां पे सर्च में जाके लिखना है माय फर्स्ट व्लॉग।
उसके बाद भाई ने बोला कि टैग यूज करो, जो गूगल क्रोम में अगर आप माय फर्स्ट व्लॉग लिखोगे वो टैग यूज करो। वो टैग कैसे यूज करना है चलिए वो भी आप सभी को बताता हूं। यहां पर मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूं और बबलू बन्ना भाई ने बोला है कि गूगल में जाके सर्च करना, वहां पर आपको टैग मिलेंगे। कौन कौन से टैग मिलेंगे चलिए वो आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि आपको कैसे सर्च करने हैं, एक एक चीज बताऊंगा। तो यहां पर आप सभी बगल में स्क्रीन देख सकते हो, यहां पर आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है और यहां पर आपको गूगल में लिखना है माई फर्स्ट व्लॉग। माई फर्स्ट व्लॉग जैसे लिखोगे सर्च करोगे तो थोड़ा सा आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, ये देख सकते हो रिफाइन दिस सर्च, मतलब कि YouTube ही Google का प्रोडक्ट है और यहां पर देख सकते हो सर्च हो रहे हैं। तो बबलू बन्ना ब्लॉग ने यही बोला अपनी वीडियो में कि अगर तीसरी लहर में वीडियो बनाओगे आपको Google पे जाना है, माय फर्स्ट ब्लॉग सर्च करना है और यहां पर आपके सामने जो भी टैग आएंगे, ये देख सकते हो जो भी आपके सामने टैग आ रहे हैं, इनको अपनी वीडियो में यूज करना है। अपनी वीडियो में जैसे माय फर्स्ट ब्लॉग वीडियो 2022, माय फर्स्ट ब्लॉग टाइटल, माय फर्स्ट ब्लॉग आइडिया, माई फर्स्ट व्लॉग टैग यूट्यूब, इस तरीके से आपको मिल जाएगा, यहां पर देख सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे रिलेटेड सर्च, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिलेटेड सर्च की, यूट्यूब पे माई फर्स्ट व्लॉग से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, गूगल पे कौन कौन से कीवर्ड सर्च किए जाते हैं, ये देख सकते हो रिलेटेड सर्च। लक्ष्मण विजू ब्लॉग हो गया, जिस भाई का चैनल वायरल हुआ था, फर्स्ट व्लॉग यू ऑन यूट्यूब, टपनू बन्ना ब्लॉग, इस तरीके से बबलू बन्ना ब्लॉग, माय सेकंड ब्लॉग, इस तरीके से सो मोर पे क्लिक करोगे आप सभी के सामने इस तरीके से आ जाएंगे, ये देख सकते हो। यहां से आपको टैग लेने हैं जो बबलू बन्ना ब्लॉग ने अपनी वीडियो में बोला है कि गूगल पे जाना है, माई फर्स्ट व्लॉग सर्च करना है, जो भी आपके सामने आएंगे वो आपको अपनी वीडियो में यूज करने हैं। तो जो कि बबलू बन्ना ने खुद अपनी वीडियो में यूज किए थे उसका चैनल ग्रो हो गया। अब आपने तीसरी लहर में ये ट्रिक अप्लाई करके देखनी है, अगर आपको तीसरी लहर में अपना चैनल वायरल करना है माई फर्स्ट व्लॉग की वीडियो डालकर, तो ये चीजें आपको यूज करनी है। क्या पता इससे आपकी तीसरी लहर में आपका माई फर्स्ट व्लॉग वायरल हो जाए। उसके बाद मैं अपनी पर्सनली आपको एक टिप देता हूं, अगर आप माय फर्स्ट व्लॉग की वीडियो बना रहे हो तो आपको एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करनी है, पुराने चैनल पे आपको नहीं डालनी। तीसरी लहर में एक नई जीमेल आईडी क्रिएट करना, अच्छे से चैनल बनाना, अच्छे से आपको चैनल नहीं बनाना था तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैंने एक एक चीज जीमेल आईडी बनाने से लेकर यूट्यूब की सेटिंग ऑन करने से लेकर एक एक चीज बता रखी है, जाके उस वीडियो को देख लेना अगर आपको एक यूट्यूब चैनल पूरी सेटिंग के साथ बनाना नहीं आता। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को लाइव प्रूफ दिखाया कि तीसरी लहर में बबलू बन्ना ने जो ट्रिक बताई उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे आपको यूज करना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, वीडियो पसंद आए तो प्लीज भाई लाइक करना और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना मेरे भाई, क्योंकि मैं देख रहा हूं वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो, पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का, कर लो यार कर लो, अभी भी देख रहे हो कर लो भाई कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।